चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्हें मैसाचुसेट्स के वाल्थम स्थित ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी में आयोजित छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अधूरी विरासत विषय पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रिफॉर्मेशन बियॉन्ड रिप्रेजेंटेशन द सोशल लाइफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिमेंडिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग टॉपिक पर अपने विचार रखे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर हम इतिहास में झांक कर देखते हैं तो कुछ सामाजिक समूह ऐसे रहे हैं जिन्हें लंबे समय तक भयानक और गंभीर गलतियों को भुगतना पड़ा। ये वो गलतियां थीं जो भेदभाव जैसी प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई थीं। भारत के अलावा अफ्रीकी देशों और अमेरिकी देशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां के कई देशों में भी मासूम लोगों को क्रूरता से भरी दास प्रथा को झेलना पड़ा था, जबकि अमेरिका से मूल अमेरिकी लोगों को या तो उत्पीड़न का सामना करना पड़ा या उन्हें मजबूरी में विस्थापित होना पड़ा। भारत के अतीत में भी इसी तरह कुप्रथाओं के प्रचलन का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में जातिगत असमानताएं पिछड़ी जातियों के लाखों लोगों को प्रभावित करती रही हैं, जबकि ये अभी भी कहीं न कहीं देखी सुनी जाती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इतिहास आदिवासी समुदायों, महिलाओं, LGBTQI समुदाय के लोगों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सिस्टमैटिक उत्पीड़न के अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है। मौजूदा दौर में अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की कुप्रथाओं और कुरीतियों के आज भी किसी न किसी रूप में पनपने को लेकर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने संबोधन में उन्होंने खास तौर से लैंगिक समानता के मुद्दे को भी छेड़ा। उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता की संवैधानिक गारंटी के बावजूद गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था कायम रह सकती है, जिससे लैंगिकता आधारित भेदभाव और हिंसा की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इसी तरह जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगाने वाले कानून के बावजूद संरक्षित समुदायों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को बढ़ते हुए देखा गया है। संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने खास तौर से इस बात पर बल देते हुए कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का संविधानवाद का विचार गहरी जड़ें जमा चुकी जातिगत प्रणाली को खत्म कर हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को बदलने में सहायक हुआ है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने दुनिया भर के कुछ देशों में विवादित कानूनों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात रही है कि कानूनी प्रणाली ने भी अमूमन हाशिए पर रहे कुछ सामाजिक समूहों के विरुद्ध ऐतिहासिक गलतियों को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत और अमेरिका में अतीत में लागू रहे कुछ कानूनों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के अलावा भारत के कुछ हिस्सों में भी गुलामी को वैध कर दिया गया था, लेकिन समय के साथ बदलाव आए और मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता मिली, जो बहुत जरूरी भी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।